Keep learning, keep growing, keep watching. Hello everyone, welcome. Good morning to everyone. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स, यानी कि मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स क्या होती है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स दो तरह की होती हैं, एक तो होती है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब्स और एक होती है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब्स। जैसे कि इनके नाम से हम अगर इनसे बात की पता करें कि इनके नाम के नाम से हम समझ सकते हैं कि स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स, यानी कि इसके अंदर एनोड क्या होगा, हमारा फिक्स होगा। बट जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है, इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो एनोड होगा वो क्या होगा, रोटेट करेगा। अब वो किस तरह रोटेट करता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, किस मेथड से, कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, ये सब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। तो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब क्यों आई, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एक कुलिश ट्यूब जो थी वो थर्मिनिक इमिशन के प्रिंसिपल पे करके वर्क कर रही थी, बट उसके अंदर भी कुछ कमियां थी जिनको स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर पूरा किया गया। ठीक है, तो अब इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। इन अर्लियर गैस ट्यूब्स वर यूज्ड, बट दीज ट्यूब्स हैव सम डिसएडवांटेजेस, सो कुलिश प्रपोज्ड द एक्सरे ट्यूब बेस्ड ऑन थर्मिनिक इमिशन। पहले क्या होता था, गैस ट्यूब्स यूज की जाती थी, बट उसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसके कारण कुलिश एक्सरे ट्यूब का इन्वेंशन किया। ठीक है, जो कि थर्मिनिक इमिशन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ऑन द बेसिस ऑफ कुलिश ट्यूब सेवरल एक्सरे ट्यूब्स हैव डिजाइन। द स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब इज वन ऑफ द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब इन विच द एनोड इज स्टेशनरी। और कुलिश ट्यूब के प्रिंसिपल के आधार पर कई एक्सरे ट्यूब्स इन्वेंट की गई। द स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब इज द वन ऑफ द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। और जो स्टेशनरी एनोड है, एक्सरे ट्यूब है, वो एक मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है जिसके अंदर एनोड हमारा फिक्स होता है, यानी कि स्टेबल होता है, वो मूवमेंट नहीं करता है, रोटेट नहीं करता है। जैसे कि कुलिश के अंदर एनोड हमारा हुआ करता था, सेम वैसे ही यहाँ पर स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब, यानी कि एक्सरे ट्यूब्स के लिए किन किन कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, क्या क्या इक्विपमेंट्स इसके अंदर लगे होते हैं। तो सबसे पहला है ग्लास एनुलर, इसके अंदर नो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है ग्लास एनुलर। ग्लास एनवलप आपको पता ही है क्या होता है, ग्लास एनवलप होता है एक पारस ग्लास का बना होता है। ठीक है, कैथोड का काम आपको पता ही है, कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन करता है। एनोड और टारगेट क्या काम करता है हमारा, एनोड और टारगेट का हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराते हैं। फिर बात करते हैं फॉक्सिंग कप, ये एक नई चीज है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ट्यूब सप्लाई क्या काम करती है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैथोड से प्रोड्यूस हुए हैं उनको क्या करेगी, ये एक्सेलरेट करेगी, यानी उनको वेलोसिटी देगी। फिलामेंट सप्लाई क्या करती है, हमारे फिलामेंट सप्लाई कैथोड को देते हैं जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है थर्मिनिक इमिशन के प्रिंसिपल के आधार पर। फिर बात आती है एनोड एंगल की, एनोड एंगल यहाँ पे नई चीज है, बेरिलियम विंडो एक नई चीज आई है, द ट्यूब कूलिंग एंड हाउसिंग ये भी एक नई चीज है जो हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लास एनवलप कि ग्लास एनवलप क्या होता है और ये कैसे बनता है, किस चीज का बना होता है, इसको किस मटेरियल का बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। जो भी कंपोनेंट्स एक्सरे ट्यूब के, इन सबको हम डिटेल के अंदर यहाँ पे स्टडी करेंगे। ग्लास एनवलप इज मेड अप ऑफ पायरस ग्लास विच इज इवैक्यूएटेड विथ वैक्यूम ऑफ 10^-5 mm of HEG। जो ग्लास एनवलप होता है वो हमारा पायरेक्स ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, और उसके अंदर वैक्यूम होता है कितना, 0.00001 mm of HG या 10^-5 mm of HG रखा जाता है। वैक्यूम होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, जबकि ग्लास ट्यूब के अंदर, गैस ट्यूब के अंदर हमने जो वैक्यूम रखा था उसके अंदर 10^-3 mm of HG रखा था, जिससे वहां पर आयनाइजेशन के प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन हो सके। बट यहाँ पर आयनाइजेशन का प्रिंसिपल वर्क नहीं करता है, यहाँ पर थर्मियोनिक इमिशन का प्रिंसिपल वर्क करता है, इसलिए यहाँ पर वैक्यूम हम नहीं रखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कैथोड एनोड एंड फॉक्सिंग कप इनसाइड इट। और जो ग्लास एनवलप होता है इसके अंदर क्या क्या हमारे इनसाइड में अरेंज होते हैं, अंदर की साइड कैथोड होता है, एनोड होता है और एक फॉक्सिंग कप होता है जो अंदर की साइड फिक्स होता है।
एनोड और कैथोड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फिक्स होते हैं। द कैथोड इज मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल फिलामेंट सराउंडेड बाय द एफॉक्सिंग कप। जो हमारा कैथोड होता है वो टंगस्टन वायर का बना हुआ होता है, ठीक है, और ये हेलिकल फॉर्म के अंदर बना हुआ होता है, यानी कि हेलिकल बने होते हैं सराउंडेड बाय एफॉक्सिंग कप, और जो कि चारों तरफ से जिसको फॉक्सिंग कप क्या करता है, सराउंड करता है, यानी कैथोड को चारों तरफ से घेर के रखता है। द फिलामेंट इज अबाउट 0.2 mm ऑफ इन डायमीटर दैट इज कॉइल्ड टू फॉर्म ए वर्टिकल स्पाइरल ऑफ अबाउट 0.2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब जो हेलिकल होता है या सॉरी जो फिलामेंट होता है कैथोड का हमारा, वो होता है 0.2 mm इन डायमीटर, यानी कि उसका जो डायमीटर होता है फिलामेंट का वो 0.2 mm होता है, ठीक है। वो क्या करता है, कोइल होकर एक वर्टिकल स्पाइरल बना लेता है, और जो वर्टिकल स्पाइरल बनता है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 0.2 सेंटीमीटर, और जो इसकी लेंथ होती है स्पाइरल की वो होती है 1 सेंटीमीटर। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको फिलामेंट की डायमीटर दिखाया है जो कि 0.2 mm है, और यहाँ पर जो वर्टिकल जो स्पाइरल बन रहा है फिलामेंट का उसका डायमीटर हमारा 0.2 सेंटीमीटर है, और जो हेलिकल जो बन रहे हैं वर्टिकल स्पाइरल के वो हमारे 1 सेंटीमीटर लेंथ के होते हैं। A trace of thorium in the filament is mixed to increase the efficiency as well as it will increase the life of filament. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो टंगस्टन होता है वो प्योर होता है तो वो जल्दी से क्या नहीं हो, मेल्ट नहीं हो, या फिर वो जल्दी से खराब नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर थोरियम को मिलाते हैं, जिससे क्या हो, उसकी लाइफ जो हो टंगस्टन फिलामेंट की वो इंक्रीज हो सके। A trace of thorium in the filament is mixed to increase the efficiency. अब क्या करते हैं, यहाँ पर टंगस्टन वायर के अंदर थोरियम को मिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन की वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो फिलामेंट की जो लाइफ होती है वो भी इंक्रीज होती है। एट द प्रिंसिपल ऑफ थर्मियोनिक इमिशन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन द फिलामेंट। अब क्या होता है, थर्मियोनिक इमिशन के प्रिंसिपल के आधार पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा कैथोड के फिलामेंट से, यानी कि होगा क्या, हम यहाँ पे फिलामेंट सप्लाई देंगे जिससे क्या होगा, फिलामेंट गर्म होगा, फिलामेंट गर्म होने से थर्मियोनिक इमिशन के प्रिंसिपल के आधार पर फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं एनोड और टारगेट, यानी कि एनोड क्या होता है, यानी कि जो दूसरा इलेक्ट्रोड है ग्लास एनवेलप के उसके बारे में। द एनोड इज द टारगेट इलेक्ट्रोड विच इज द मेंटेन एट द पॉजिटिव पोटेंशियल। होता क्या है, अब जो हमारा एनोड है वो टारगेट इलेक्ट्रोड है। हम बात कर रहे थे एनोड की, एनोड क्या होता है, ग्लास एनवेलप का दूसरा इलेक्ट्रोड होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, यानी कि कैथोड हमारा नेगेटिव होगा तो एनोड क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। द टारगेट मटेरियल शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब जो टारगेट मटेरियल हमने लिया है एनोड, जो टारगेट इलेक्ट्रोड हमने लिया है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी जरूरी है, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए ताकि वो एनोड की तरह एक एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सके। तो पहला इसका क्या प्रॉपर्टी है देखते हैं, इट शुड हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट फॉर विथस्टैंडिंग फॉर हाई टेम्परेचर, यानी कि जो हमारा एनोड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे ही उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, और हमारी जो ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, गैसी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेल्ट होगा तो हमारे ट्यूब के अंदर क्या होगा, वेपर इंक्रीज हो जाएगा, और वेपर इंक्रीज होने से हमारी जो ट्यूब है वो खराब हो जाएगी। इट शुड हैव हाई एटॉमिक नंबर टू इंक्रीज द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन एफिशिएंसी। और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होती है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी टू डेसिपेट हीट क्विकली। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है एनोड की वो भी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो ये हीट को जल्दी से रिमूव कर सकेगा। इट शुड हैव लो वेपर प्रेशर एट हाई टेम्परेचर टू प्रिवेंट द इवेपोरेशन ऑफ टारगेट मटेरियल। इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होना चाहिए एनोड का हाई टेम्परेचर पर भी। क्यों, क्योंकि इससे होगा क्या,
जैसे ही अगर ये हीट अगर इसको हीट मिलेगी तो ये क्या होगा, जल्दी से वेपर फेज में कन्वर्ट ना हो सके, यानी कि वेपर के अंदर कन्वर्ट ना हो सके, इसलिए इसका जो वेपर प्रेशर है हाई टेम्परेचर पे वो कम होना चाहिए। अब आज बात करते हैं, वापस से बात कर लेते हैं, चार प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। पहली प्रॉपर्टी थी हाई मेल्टिंग पॉइंट की, जिससे क्या है ये हाई टेम्परेचर पे भी खड़ा रह सके, जल्दी से मेल्ट नहीं हो। दूसरी प्रॉपर्टी थी हाई एटॉमिक नंबर की, हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए जिससे क्या हो एक्सरे प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी थी हाई थर्मल कंडक्टिविटी की, अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो यहाँ से हीट रिमूव इजिली हो जाएगी। फोर्थ हमारी थी कि इसका लो वेपर प्रेशर होना चाहिए हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई टेम्परेचर पे भी, जिससे होगा क्या अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो भी क्या होगा जो हमारा एनोड है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होगा और वो वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट की, टारगेट मटेरियल हम क्या लेते हैं। गैस ट्यूब के अंदर हमने टारगेट मटेरियल टंगस्टन ही लिया था, और यहाँ पर भी जो टारगेट मटेरियल होगा वो टंगस्टन ही होगा। टंगस्टन W इज द मेटल वाइडली यूज्ड एज द टारगेट बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट 3370 डिग्री सेल्सियस एंड हाई एटॉमिक नंबर 74। टंगस्टन जो कि एक मेटल होता है उसका टारगेट मटेरियल के रूप में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 3370 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी हाई होता है, यानी कि 74 होता है। बट इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज लो एज 0.3, लेकिन जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, 0.3 होती है। सो ए लेयर ऑफ टंगस्टन इज कोटेड ओवर ए थिक ब्लॉक ऑफ कॉपर बिकॉज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 0.9 एंड हीट विल बी रिमूव्ड वेरी क्विकली। होता क्या है, इसकी जो हम टंगस्टन ले रहे हैं इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, बट यहाँ पर हम करेंगे क्या एनोड के लिए, एनोड के ऊपर क्या करेंगे हम, एनोड हमारा टंगस्टन का बना हुआ तो इसके नीचे हम क्या करेंगे कॉपर के ब्लॉक लगाएंगे जिसके ऊपर हमारी टंगस्टन की लेयरिंग होगी। ठीक है, तो टंगस्टन अब हम यहाँ पे कॉपर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। जैसे ही कॉपर ब्लॉक के ऊपर जो टंगस्टन लगा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो जो हीट होगी वो टंगस्टन से कॉपर ब्लॉक के अंदर आ जाएगी और वहां से इजिली रिमूव हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे कॉपर का यूज किया है और हीट कॉपर जल्दी रिमूव कर देता है। द एनोड हैज टेंडेंसी टू क्रैक अंडर बाय ओवरहीटिंग, देयरफॉर टंगस्टन रेहेनियम एलॉय इज ऑलवेज यूज्ड व्हिच मेक्स अ टारगेट टफ एंड लेस चांस टू क्रैक। होता क्या है, जो एनोड हमारा है उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो जल्दी क्रैक हो जाता है जब उसको ज्यादा गर्म किया जाता है, फिर जब उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप टकराते हैं तो क्या होगा वो जल्दी क्रैक कर जाता है। बट इससे बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर टंगस्टन रहेनियम का यूज करेंगे जो कि एक अलॉय होता है जिसके अंदर 90% टंगस्टन पाया जाता है और 10% रहेनियम होता है। इन दोनों की फॉर्मेशन से ये अलॉय बनता है और इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा टारगेट मटेरियल है वो टफ हो सके, हार्ड हो सके और जल्दी से क्रेक ना हो ओवरहीटिंग पर, यानी कि ओवरहीटिंग होने पर हमारा जो टारगेट मटेरियल है वो जल्दी से क्रेक ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर टंगस्टन रहेनियम का अलॉय यूज करते हैं। मॉलिब्डेनम एंड रोडियम आर कॉमनली यूज्ड एज एनोड मटेरियल फॉर मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब्स। मॉलिब्डेनम और रोडियम का यूज किया जाता है कॉमनली एनोड के रूप में मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब के लिए, यानी कि मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब के अंदर एनोड के रूप में मॉलिब्डेनम और रोडियम का यूज किया जाता है क्योंकि इनका एटोमिक नंबर भी थोड़ा ज्यादा होता है, बट एज कंपेयर टू टंगस्टन इनका एटॉमिक नंबर कम ही होता है। द टंगस्टन इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ 2 or 3 mm थिक। जो हम यहाँ पर टंगस्टन यूज कर रहे हैं वो हमारा कैसा होगा, शेप के अंदर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप की एक प्लेट होगी जो कि 2 to 3 mm क्या होगी थिक होगी। द एनोड एंगल इज यूजुअली 15 degree to 20 degree, और जो एनोड एंगल हम यहाँ पे यूज करते हैं वो क्या होगा हमारा 15 से 20 डिग्री का होगा। तो ये तो हमने आज डिस्कस की, हमने चार कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट ग्लास एनवलप, दूसरा कंपोनेंट एनोड, तीसरा कैथोड, चौथा हमने
तो हमने यहाँ पे तीन कंपोनेंट डिस्कस किए हैं। अब हम बाकी नेक्स्ट कंपोनेंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसके हम फॉक्सिंग कप के बारे में जानेंगे, फॉक्सिंग कप किससे बना होता है, फॉक्सिंग कप का काम क्या होता है, इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो इसके लिए क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है, यानी कि उसका ही यूज क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।